Hey, morning. So finally, the G-Wagon ownership review comes to the channel, and this comes just before I get ready to leave for Dubai. And this might be the last video you're watching on my G-Wagon in this channel. And thanks to Policy Bazaar for sponsoring this video. भी हर्षद भाई ने कहा था कि risk है तो इश्क है, but in this video will prove that risk नहीं है फिर भी इश्क है. Make sure to watch this video till the end. देखो, काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को डरते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं रहता है, एक्चुअली कोई गारंटी भी नहीं दे सकता कि उनके पैसे के साथ क्या होगा. ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, पैसा पूरा उड़ भी जा सकता है. ऑफ कोर्स रिस्क तो है ही. सो फॉर दिस सेट ऑफ पीपल हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी सो दे कैन गेट सम गुड रिटर्न्स, मतलब कहाँ ऐसा पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उनको रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा एंड उनका जो इन्वेस्टेड कैपिटल रहेगा वो कैसे टोटल सेफ रहेगा, रिस्क फ्री रहेगा एंड वहाँ से कुछ भी नहीं उड़ेगा, उनके लिए मेरे पास एक मस्त वाला सोल्यूशन है. एंड द सोल्यूशन नेम इज कैपिटल गारंटी प्लान. सो एज द नेम सेज, इट सेज कैपिटल गारंटी प्लान. इसका मतलब यह है कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो पूरा सेफ रहेगा. मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका पैसा पूरा सेफ रहेगा. काफी लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट ये सोच के नहीं करते कि अगर हमने इन्वेस्ट किया, अगर मार्केट नीचे चलेगा हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट भी टोटल चले जाएगा. ये प्लान पे आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट, इट्स ऑलवेज गोइंग टू स्टे रिस्क फ्री एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 100% सेफ. एंड ये जो कैपिटल गारंटी वाला जो सोल्यूशन है, इट्स मोर लाइक ए लाइफ इंश्योरेंस ओनली. इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस करते हो वैसे ये करोगे. तो अभी आप जो भी कंपनी में इसमें इन्वेस्ट करोगे वो कंपनी क्या करेगी, उसमें से कुछ पैसे निकाल के मार्केट में इन्वेस्ट करेगी. सो मार्केट अगर ऊपर गया, आपका पैसा का वैल्यू बढ़ गया, देन उसमें से जो रिटर्न आएगा वो आपको मिलेगा. एंड अगर मार्केट नीचे चले गया, आपका पैसा का वैल्यू बढ़ नहीं पाया, स्टिल योर कैपिटल स्टेज सेफ एंड इट्स नॉट गोइंग टू गेट इरोडेड. सो बेसिकली आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी सेफ. मार्केट ऊपर गया, आपको रिटर्न के साथ एक्स्ट्रा मिला. मार्केट नीचे गया, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा, इट्स गोइंग टू बी सेफ एंड यू आर गोइंग टू गेट इट एक्जैक्टली व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड. एंड दिस प्लान बेसिकली गिव्स यू टू बेनिफिट्स. आपको इंश्योरेंस वाला बेनिफिट भी मिल गया, इन्वेस्टमेंट वाला बेनिफिट भी मिल गया. एंड इसका जो आप रिटर्न, यू कैन ऑफकोर्स एक्सपेक्ट मोर देन फिक्स डिपोजिट डेट फंड. आपको जितना रिटर्न होता है उससे आप थोड़ा ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट भी कर सकते हो. एंड द बेस्ट थिंग इज एज यूजल आपका जो प्रिंसिपल वाला इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, इट्स कंप्लीटली सेफ, वो कहीं उड़ने वाला नहीं है. एंड इसमें आप अपना इनकम टैक्स का ATC वाला टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो. एंड इसका जो मैच्योरिटी वाला अमाउंट रहेगा, दैट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली टैक्स. जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, अपना म्यूचुअल फंड्स हो गया, उसमें कुछ ना कुछ टैक्स लगता है जब वो मैच्योर करता है. इसमें इट्स कुछ भी नहीं लगेगा, पूरा ये जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको टोटल मिलेगा, कोई टैक्स नहीं लगने वाला. एंड इसका जो प्रीमियम है, यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2500 रुपीज मंथली. एंड बेस्ट थिंग इज इसका जो लाइफ टाइम कवर इज लाइक 120 टाइम्स द मंथली प्रीमियम एंड इट्स एप्लीकेबल फ्रॉम डे वन. डे वन से आपका लाइफ टाइम का टोटल कवर मिल जाएगा, वो भी 120 टाइम्स द मंथली प्रीमियम विच यू आर पेइंग. एंड फॉर दिस कैपिटल गारंटी सोल्यूशन आई रिकमेंड यू गैस टू गो एड एंड चेक पॉलिसी बाजार. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में डाल दिया है, जाके सीधा जाके चेक करो, उसमें अपना नाम एंड नंबर डाल देना एंड यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफर्स पॉसिबल फॉर दिस कैपिटल गारंटी सोल्यूशन. ओके, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मॉडल्स, मतलब जी वैगन में क्या क्या मॉडल्स आते हैं. जी वैगन में ओनली दो ही मॉडल आते हैं, G350D जो कि ये है आप देख रहे हो, और एक आता है G63. सो बेसिकली G63 इज पेट्रोल V8 इंजन, ये जो है दिस इज इनलाइन 6, दिस इज डीजल इंजन. सो इसके बीच में और उसके बीच में ओनली एक डिफरेंस है, उसमें V8 इंजन लगा हुआ है, इसमें इनलाइन 6 वाला इंजन लगा हुआ है. एंड ये पेट्रोल इंजन है, ये डीजल इंजन है, वो है पेट्रोल इंजन. सो अगर आपको मतलब वो जो स्पोर्ट्स कार वाला एक्सपीरियंस चाहिए, लाइक SUV तो स्पोर्ट्स कार एक्सपीरियंस, देन यू नीड टू गो फॉर द G63. बट इंडियन रोड्स के लिए आई गेस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. एंड इफ यू आर लुकिंग एट द प्राइसिंग, दिस वन ऑन रोड इज गोइंग टू बी ऑफकोर्स मोर देन 2 crores एंड फॉर द G63 इट्स गोइंग टू बी मोर देन 3 crores. बट आई विल सजेस्ट इफ यू आर इन इंडिया, इट मेक्स सेंस टू गो फॉर 2 cars. इफ यू हैव गॉट अ बजट ऑफ लाइक 3, इफ यू आर लुकिंग टू स्पेंड एनीथिंग ओन लाइक 3 crores, देन द बेस्ट इज टू गो फॉर अ G350D फॉर लाइक 2 crores. एंड फॉर द रेस्ट 1 crore मे बी जस्ट गो एंड गेट ए मर्सिडीज EQC. तो आपको 1 crore में आपको इलेक्ट्रिक कार भी एक हो गया, उसमें तेल भरना नहीं पड़ेगा, और रेस्ट 2 crore में आप इसको खरीद सकते हो. तो एटलीस्ट यू विल हैव एन SUV, डीजल SUV, एंड यू विल हैव एन इलेक्ट्रिक कार एज वेल. लाइक स्पेंडिंग 3 crores ऑन वन सिंगल कार फॉर इंडियन रोड्स, इट डजेंट मेक्स, मतलब क्योंकि इंडिया में एक्चुअली तेल इतना पैसा आप G60 का लोगे, आपको हर 500 किलोमीटर में 20,000 का तेल भरना पड़ेगा. इट डजेंट मेक्स, जो G60 का जो माइलेज है वो बहुत ही कम है. लाइक फॉर दिस G350
भी विद इन द सिटी रेंज आई गेट माइलेज ऑफ अराउंड 5-6 एंड हाईवेज में मेरे को आता है आराम से 8-9। G63 सिटीज में आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, मतलब 3 या 4 से तो वो एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। हाईवे में मे बी यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर क्लोज लाइक 5 or 6, नॉट मोर देन दैट। सो कमिंग टू द डिज़ाइन, सो मोस्टली लोगों का यही डाउट रहता है कि G350 एंड G63 में क्या क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ओनली 2 डिफरेंस है। फर्स्ट इज दिस फ्रंट वाला ग्रिल, जो कि मैं चेंज करने के लिए ट्राई भी किया था, जो हो नहीं पाया, उसके लिए फिर से मैंने ऑर्डर किया था। उसके बाद हैड टू कैंसिल द ऑर्डर, क्योंकि उसके बाद उनको मालूम पड़े कि आई एम गोइंग टू लीव एनी टाइम सून। सो ये वाला मेरा प्लानिंग था चेंज करने का, बट आई डिड नॉट चेंज। तो जो G63 एंड G350 ओनली डिफरेंस इज दिस फ्रंट वाला ग्रिल एंड ये जो फ्रंट वाला बम्पर। सो इन केस इफ यू आर लुकिंग टू गेट ए G350 एंड गेट, मेक श्योर कि इट गेट्स अ G63 लुक, देन आपको ओनली एक ही चीज़ चेंज करना पड़ेगा, ये ग्रिल चेंज करना पड़ेगा एंड ये जो बम्पर वाला किट चेंज करना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं आपको प्राइसिंग भी दे देता हूँ। फ्रंट वाला ग्रिल विद द किट इट्स गोइंग टू कॉस्ट समवेयर क्लोज टू 85,000 to 1 lakh एंड ये जो सामने वाला ये जो बम्पर आप देख रहे हो, ये वाला बम्पर, इसको चेंज करने के लिए इट्स गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू 2 या 2.5 lakh। सो टोटल अगर आपको एग्जैक्टली G63 का लुक अगर चाहिए, देन यू आर लुकिंग टू स्पेंड समवेयर क्लोज टू 3 to 3.5 lakh, आपको पूरा एग्जैक्ट लुक दे देगा। और एक डिफरेंस जो है G63 एंड G350D में, दैट इज एग्जॉस्ट। आपका G63 में एग्जॉस्ट यहाँ से निकल के रहता है V8 इंजन में, इसका एग्जॉस्ट भी नीचे ही है बट आपको दिखेगा नहीं, नीचे है। G63 में पूरा क्लियरली आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट दिखेगा। एक्सेप्ट दिस टू चेंजेस देर इज नथिंग एल्स एंड ऑफकोर्स बैजिंग का चेंज रहता है, लाइक इन दिस यू आर गोइंग टू गेट द बैज ऑफ द G350D, जो कि मैंने पूरा मस्त से पूरा मैट ब्लैक कर दिया था। सो दिस इज हाउ द बैजिंग फॉर द G350D लुक्स लाइक। बट G63 में यहाँ आपको AMG G63 दिखेगा। वो भी लोग क्या करते हैं, 350D खरीद के उसमें AMG का बैज लगाते हैं, G63 का बैज लगाते हैं, वो भी आप कर सकते हो। एंड एग्जॉस्ट की जगह आप और एक फेक एग्जॉस्ट भी लगा सकते हो टू मेक श्योर इट गेट्स द एग्जैक्टली द सेम लुक एज G63। इतना छोड़ के देर इज नो अदर डिफरेंस, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। कोई भी अगर दूर से देखे आपको वैसे ही मालूम नहीं पड़ेगा कि वो 63 है या 350D है। एग्जॉस्ट एंड फ्रंट ग्रिल अगर आप चेंज कर देते हो, यहाँ बैजिंग लगा देते हो, नो वन इज गोइंग टू मेक इट आउट। सो डिज़ाइन में there is nothing to actually point out flaws in this G-Wagon design, because this has been like one iconic design. Design पे ही total पैसा और design पे ही है। And a world भर में अगर किसी को पूछे हो कि why did you buy the G-Wagon, they are going to answer this. So design का तो we have already talked, pricing we have already talked, models overview also we have already talked. Let me just show you the boot space first, उसके बाद जाके अपन interior देखेंगे। So boot space is like crazy big. यहाँ अभी भी अपना देखो कितना सामान पड़ा हुआ है, जितना सामान आप रखो इसमें सारा फिट हो जाएगा। अभी मेरा 3-4 बैग पड़ा हुआ है, इसमें बैग 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 पड़ा रहता है। इन इसको आप ऐसे उठा भी सकते हो, इसको खोल के पूरे सीट को नीचे करने से ये पूरा कैंपिंग वाला कार भी बन जाएगा। इसको नीचे करो, सीट को नीचे कर दो, यहाँ एक मस्त वाला एक कॉलन डालो एंड पूरा कैंपिंग के लिए मस्त वाला कार है। एंड यहाँ पूरा स्पेस ही स्पेस है। यहाँ अगर आप मतलब इसका अगर आप बॉमेस्टर या फिर मतलब उसका एड ऑन नहीं लेते हो, देन यू विल गेट सम मोर स्पेस। अगर वो नहीं लेते, क्योंकि अभी यहाँ पे सबवूफर है तो और थोड़ा स्पेस यहाँ यूज़ हो रहा है, अगर आप वो एड ऑन नहीं लेते हो तो ये वाला स्पेस भी आपको पूरा मिल जाएगा। बेसिकली लॉट ऑफ स्पेस फॉर द फूड। अभी जब G-Wagon आप ऑर्डर करते हो, द मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग इज द कॉन्फिग। अभी कॉन्फिग इसका बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारा एड ऑन है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा एड ऑन लेना चाहिए, कौन सा एड ऑन ले ही लेना चाहिए। अभी लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि आपको कौन सा मैंडेटरी एड ऑन लेना ही चाहिए। जो सबसे पहला एड ऑन है, दैट इज़ आपको AMG वाला लाइन वाला एड ऑन लेना ही पड़ेगा। बहुत लोगों को लगता है ये वाला AMG वाला एड ऑन नहीं लेंगे, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। AMG वाला एड ऑन आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप AMG वाला एड ऑन नहीं लेते हो तो आपको ये जो मोटा वाला जो लुक आता है ना इसमें, ये आपको नहीं मिलेगा, ये से पतला होकर रहेगा, ये गंदा दिखेगा। विदाउट द AMG एड ऑन यू आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू गेट दिस। AMG एड ऑन में ये वाला पूरा आता है। उसके बाद AMG में आपको यहाँ पे भी मर्सिडीज लिखा रहेगा, यहाँ पे ऐसा होकर रहेगा, पूरा AMG वाला पूरा व्हील्स रहेगा। सो AMG एड ऑन इज ए मस्ट है। विदाउट AMG एड ऑन द कार एक्चुअली लुक्स वेरी ब्लैंक एंड डजेंट लुक गुड। सो AMG एड ऑन तो चाहिए। सेकेंड लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एड ऑन इज ये वाला मल्टी बीम LED। G-Wagon का एक्चुअली एक ही चीज़ जो सामने से मालूम पड़ता है, दैट इज दिस मल्टी बीम LED। आपको अभी मालूम नहीं पड़ा, अगर रात में आप कभी ऑन कर दोगे ये पूरा ऐसा दिखता है, पूरा लाइट जल के दिखता है। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी तो दिन है, रात में ये बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। सो ये वाला एड ऑन इज ए मस्ट हैव। मल्टी बीम LED एड ऑन, एनीवन हु इज गेटिंग ए G-Wagon हैज टू मेक श्योर ही इज गेटिंग द मल्टी बीम LED। उसके बाद आता है अपना AMG वाला, AMG लाइनअप वाला एड ऑन। और एक एड ऑन भी आता है, ये जो आपका इंडिकेटर रहता है ये पूरा स्मोक वाला हो जाता है, ये भी स्मोक हो जाएगा, ये वाला भी स्मोक हो जाएगा। तो ये वाला एड ऑन एक्स्ट्रा आता है, ये वाला एड ऑन भी एक्स्ट्रा आता है। सो बेसिकली अगर आपको मतलब टोटल ब्लैकड आउट लुक चाहिए, देन यू हैव टू गेट दिस स्मोक्ड, ये वाला भी लगे। मैंने नहीं लिया था, तो अगर आप वो एड ऑन्स नहीं लेते, यू आर गोइंग टू गेट दोस
क्लियर इंडिकेटर्स, क्लियर लाइट्स। उसके बाद और एक जो एड ऑन है दैट इज द सीट मसाजिंग वाला एड ऑन। अभी इफ यू आर गेटिंग सच ए ह्यूज एसयूवी विद इन सीट मसाजिंग वाला एड ऑन भी चाहिए, दैट इज अगेन वेरी एक्सपेंसिव एड ऑन, बहुत लोग लेते नहीं है, बट आई हाईली रिकमेंड पीपल टू गेट दैट सीट मसाजिंग वाला एड ऑन, क्योंकि उसमें आपको इतना सारा मोड्स आता है, इतना सारा मोड्स आता है, उसके साथ सीट वेंटिलेशन, सीट हीटिंग भी आता है, आपको पीछे वाला सीट में भी सीट हीटिंग आ जाएगा। पीछे वाला सीट में ऑफकोर्स सीट वेंटिलेशन नहीं आता, ओनली सीट हीटिंग आता है। फ्रंट वाला सीट्स में आपको सीट हीटिंग भी आता है, सीट वेंटिलेशन भी आता है, एंड यू आर गोइंग टू गेट द मसाजिंग एड ऑन सजल। अभी मसाजिंग वाला यू गेट फॉर बोथ, आपको ड्राइवर वाला सीट के लिए भी मसाजिंग वाला मोड्स मिलेंगे एंड राइडर्स वाला सीट के लिए भी मिल जाएगा। इस तरह वाला बंदा भी एंजॉय कर सकता है, उस तरह वाला बंदा भी एंजॉय कर सकता है, एंड यू कैन एक्चुअली चेंज द मोड्स। आप ड्राइवर के लिए दूसरे वाला मतलब मसाजिंग वाला मोड ऑन कर सकते हो, पैसेंजर के लिए भी दूसरे वाला मोड ऑन कर सकते हो। ओनली डाउनसाइड इज ये जो मसाजिंग एवरी 15 मिनट में बंद हो जाता है, आपको अगर जितना बार चाहिए आपको फिर से ऑन करना पड़ता है। सो दैट इज ओनली डाउनसाइड, बट ऑफकोर्स मसाजिंग वाला एड ऑन इज ए मस्ट इफ यू आर गेटिंग ए जी वैगन। सो यहाँ देख सकते हो यही वाला, वो जब आप एड ऑन लोगे तो यहाँ पे आपको सीट वेंटिलेशन, दिस इज द सीट वेंटिलेशन, दिस इज द सीट हीटिंग, अब ये लॉक एंड अनलॉक। उसके बाद यहाँ पे आपको चार मेमोरी वाला ऑप्शन है, आप आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ कर सकते हो, इट्स ए मल्टी फंक्शनल पूरा सीट, पूरा जो सीट है पूरा इलेक्ट्रॉनिक तो सीट है। आपको तीन चार मोड्स में, आप तीन मोड्स में सेव कर सकते हो, मेमोरी वाला सेफ है, मेमोरी में आप पूरा पोजिशन लोकेशन हाइट वाइट सब कुछ यहाँ पे सेव कर सकते हो। एंड वन मोर एड ऑन विच आई रिकमेंड यू गाइज टू गो फॉर द रेड इंटीरियर्स। अभी जी वैगन में मैंने जो लिया था दिस वॉज लाइक इंक्लूडेड, सो मैंने एक्स्ट्रा, आई डिड नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा फॉर द इंटीरियर का मतलब इंटीरियर का सीट्स के लिए, बट ये जो सीट है इट्स गुड। माइन इज द बीच कलर, क्योंकि अगर आप मैं रेड वाला लेता इट वॉज कॉस्टिंग मी क्लोज टू 11 या 12 लैक्स एक्स्ट्रा, सो आई डिड नॉट गो फॉर इट। बट आई रिकमेंड इफ यू आर गेटिंग ए जी वैगन गो फॉर द ब्लैक विद द रेड इंटीरियर्स, रेड इंटीरियर्स, या फिर आपका और एक भी आता है ब्लू विद द ब्लैक, और एक आता है ग्रीन विद द ब्लैक, वो भी आप ले सकते हो। एंड द और एक बहुत ही मस्त चीज़ है, वो जो आप जब सीट को कस्टमाइज करोगे उसमें और एक ऑप्शन आता है, आप सीट का जो थ्रेड्स रहता है उसको भी, उसका भी कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट द बेस्ट ऑप्शन फॉर जी वैगन आई विल ऑलवेज रिकमेंड इज टू गो फॉर द रेड इंटीरियर, क्योंकि रेड में वो पूरा ही रेड रहता है, सो ब्लैक बॉडी विद द रेड इंटीरियर्स लुक्स दी बेस्ट। चलो अभी मैं आपको ड्राइविंग सीट में बैठ के थोड़ा इंटीरियर का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। सो दिस इज हाउ द इंटीरियर ऑफ द जी वैगन लुक्स लाइक। सो ये बहुत ही बड़ा वाला स्क्रीन है, यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले पूरा आ जाता है, बट ओनली थिंग इज दिस इज नॉट टच स्क्रीन। सो अच्छा है कि टच स्क्रीन नहीं है, क्योंकि टच स्क्रीन होने से यहाँ बहुत सारा जो मार्क्स रहता है, लास्ट बार मेरा Z4 जब था पूरा ये वाला पूरा मार्क हो जाता है, हमें उसके बाद फिर से एक एक बार खाली साफ करना पड़ता है। सो दिस इज ए ह्यूज स्क्रीन, आपको पूरा एप्पल कारप्ले भी आ जाएगा, एप्पल कारप्ले में आपको सब कुछ सेट कर सकते हो, मैप्स वैप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। दिस इज अगेन वन मोर बिग डिस्प्ले, यहाँ पे आपको दो तीन मोड्स भी आएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या एग्जैक्टली डिजाइन मोड्स आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे यू आर गेटिंग ए स्टोरेज, यहाँ पे एक ह्यूज स्टोरेज, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एप्पल कारप्ले का। ओनली डाउनसाइड इज आपको फोन कनेक्ट करना पड़ेगा, इसमें वायरलेस वाला कारप्ले नहीं है, फोन कनेक्ट करने से एप्पल कारप्ले काम करता है। सो बेसिकली ये जो स्क्रीन है यहाँ से वो काम करता है, ये वाला इज द टच पैड फॉर द स्क्रीन, ये दिस इज द टच स्क्रीन, यहाँ पे ये टच स्क्रीन काम नहीं करता, यहाँ से आप जो भी करो यहाँ भी काम करेगा। एंड यहाँ पे और एक भी मोड है, बेसिकली टू मैनेज दिस स्क्रीन यू कैन एक्चुअली यूज दिस वन, दिस डायल, या फिर ये वाला चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स आ गए, राइडिंग मोड्स आर लाइक इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कम्फर्ट, इको, डेजर्ट। उसके बाद यहाँ पे इज मैनुअल मोड, एंड ये जो चीज़ है भाई ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाला चीज़ है, इसके लिए तो आपको जाके जी वैगन का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने एक बार सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा, बट आई कुडंट मेक इट, क्योंकि इसको समझने के लिए मेरे को जर्मनी जाना पड़ता। सो दिस इज़ लाइक वन कॉम्प्लेक्स वन डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस, बाकी मेरे को आज तक कभी समझ में नहीं आया, कभी अगर मैं जाता हूँ जर्मनी इसको सीख के आने के बाद, मे आई विल डू दैट वीडियो समडे। सो ये वाला डिफरेंशियल लॉक्स इज समथिंग, द मेन सेलिंग पॉइंट ऑफ जी वैगन इज दिस डिफरेंशियल लॉक्स, बाकी को समझ में नहीं आता, सॉरी अबाउट इट। सो यहाँ पे सारे बटन है, यहाँ पे आपको स्क्रीन को मैनेज करने के लिए आर गेटिंग दिस टच पैड। उसके बाद आता है आपका ये जो मेन वाला स्क्रीन। सो अभी देखो यहाँ पे तीन मोड्स रहता है स्क्रीन के लिए, दिस इज द प्रोग्रेसिव मोड, अगर आपको क्लासिक वाला चाहिए क्लासिक के लिए, क्लासिक लुक समथिंग लाइक दिस, एंड स्पोर्ट लुक समथिंग लाइक दिस। नॉर्मली मैं ये प्रोग्रेसिव में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा से पूरा स्पीडोमीटर दिखता है, क्लासिक ऐसा, स्पोर्ट ऐसा, एंड प्रोग्रेसिव लुक समथिंग लाइक दिस। सो आपको इसको अगर मैनेज करना है सीट को मैनेज करने के लिए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको सीट ऊपर नीचे कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे लेन असिस्ट वाला ये भी एक ऐड ऑन है, लेन असिस्ट भी आप ले सकते हो। नॉर्मली मैं लेन असिस्ट बंद ही रखता हूँ, क्योंकि इसमें गाड़ी में लेन असिस्ट बहुत मतलब खतरों से खाली नहीं है। एवरीथिंग एल्स लाइट मल्टीबीम LED एड ऑन है, तो आपको लाइट भी कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, एक स्विच ऑन करो मतलब आप गाड़ी जैसे स्टार्ट होता है वो लाइट्स ऑटोमेटिकली पूरा मैनेज होता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दैट लाइट। सो मल्टीबीम LEDs ऑल सेट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सीट मसाजिंग आपको ओनली ऑप्शन में जाने का, ऑन करने का, फेवरेट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, क्रूज कंट्रोल, लिमिटर्स,
आपका सेट प्लस माइनस होम यहाँ पे डिजाइन। सो बेसिकली ये क्या करती है, यहाँ पे दो मोड्स है, ये एक है ये एक है। अभी ये जो चीज़ है इस तरफ स्क्रीन दो है, दो बड़े स्क्रीन, ये वाला जो मोड है, ये वाला जो बटन से ये इस तरफ वाला स्क्रीन को मैनेज करेगा, एंड ये जो है ये इस तरफ वाला स्क्रीन को मैनेज करेगा। अभी मेरे को अगर कुछ भी करना होगा यहाँ पे, सो आई कैन डू इट फ्रॉम दिस स्क्रीन, ये वाला स्क्रीन पे कुछ करना है तो इस तरफ करना है, अगर ये वाला स्क्रीन पे कुछ करना है देन आई हैव टू गो फ्रॉम दिस स्क्रीन। सो ये टच पैड है, यहाँ पे भी टच पैड, यहाँ पे भी टच पैड, यहाँ से जाके मैं होम जाके यहाँ से सेटिंग्स वेटिंग सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। सो दिस वन हैंडल्स दिस पार्ट, दिस वन हैंडल्स दिस पार्ट, एंड दिस इज हाउ द मेन स्क्रीन ऑफ द जी वैगन लुक्स लाइक। इतने सारे ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट इज द नेविगेशन, नेविगेशन इज लोडेड एंड वॉट्स ग्रेट। उसके बाद आता है अपना रेडियो, उसके बाद मीडिया, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ मीडिया, जो भी करना हो, टेलीफोन भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट में आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो गाड़ी का, मतलब रिमोटली व्हीकल सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स एंड द सिस्टम सेटिंग्स। व्हीकल के अंदर अगर अपन चलते हैं उसके अंदर आता है आपका सीट का ऑप्शन आ गया, सीट मसाजिंग का ऑप्शन अगर मैं आपको दिखा दूँ, ड्राइवर सीट एंड पैसेंजर सीट अलग से पूरा मैनेज कर सकते हो। मसाजिंग के अंदर कितना सारा ऑप्शन है, हाई इंटेंसिटी, हॉट रिलैक्सिंग बैक, हॉट रिलैक्सिंग शोल्डर, एक्टिवेटिंग, क्लासिक, वेव, मोबिलाइजिंग, वर्कआउट कुशन, वर्कआउट रेस्ट, बहुत सारे मोड्स है। एंड यहाँ से जाके आप डायनेमिक सीट भी ऑन कर सकते हो कि आपको लेवल 1-2 कौन सा चाहिए, बॉलस्टर ऑटोमेटिकली आएगा, लंबर सपोर्ट भी आप यहीं से मैनेज कर सकते हो पूरा। सो मसाज हो गया, डायनेमिक सीट, बॉलस्टर अपडेट्स, लंबर सपोर्ट, एवरीथिंग कैन बी मैनेज। एंड ये भी दोनों सीट के लिए मैनेज कर सकते हो, ड्राइवर सीट के मैनेज कर सकते हो, पैसेंजर सीट के मैनेज कर सकते हो। एंड कमिंग बैक, क्लाइमेट कंट्रोल में आप सीधा जाके क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ नॉर्मली सिंक ऑन कर रखना है। एंड उसके बाद डायनेमिक सिलेक्ट, इसमें आपको राइड जो मोड्स रहता है उसमें आप चेंज कर सकते हो, इंडिविजुअल कॉन्फिग, ड्राइव, सस्पेंशन कैसा रखने का है, स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल रहेगा, इको स्टार्ट स्टॉप होएगा या नहीं होगा, कैसे होएगा, सब कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। नाउ गोइंग टू द आपका हो गया असिस्टेंस, असिस्टेंस के अंदर सेटिंग्स आ गया, कैमरा एंड पार्क असिस्ट, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, ऑटोमेटिकली जैसे ही सामने कोई गाड़ी आता है गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, कितना लेट में होगा जल्दी होगा यहाँ ऑप्शन है, अर्ली मीडियम लेट, सो मेरा भी अर्ली सेट हो गया है। एंड अटेंशन असिस्ट, अगर आप सो जाते हो कभी तो अटेंशन असिस्ट में वो सेंसिटिव, मतलब वो ऑटोमेटिकली पूरा स्टीयरिंग पूरा वाइब्रेट करेगा, एंड इट्स गोइंग टू मेक श्योर यू आर ऑलवेज अप एंड रनिंग। लेन कीप असिस्ट, ये एक बहुत ही बेकार वाला सेटिंग्स है, इसको ऑलवेज ऑफ रखने का या फिर एडेप्टिव रखने का, आई हेट दैट सेटिंग्स। एंड कंजप्शन भी आपको पूरा दिखाता है कि एग्जैक्टली कितना गाड़ी कंज्यूम किया है, कितना किलोमीटर पर लीटर, आप देख सकते हो अभी दिखा रहा है मेरे को 6 किलोमीटर माइलेज पर लीटर। लाइट सेटिंग्स इज द बेस्ट, एम्बियंट लाइटिंग इज द मेन पॉइंट ऑफ द जी वैगन। इसके अंदर मल्टी कलर, अभी मेरा मल्टी कलर सेटिंग हो गया, अगर दिन है तो आपको दिखेगा नहीं, मल्टी कलर के अंदर तो आपको इतना सारा सेटिंग्स है, ब्राइटनेस जोन, कौन सा जोन में लाइट रहेगा नहीं रहेगा, इफेक्ट्स, मल्टी कलर एनिमेशन, वेलकम, क्लाइमेट के साथ भी चेंज हो सकता है। सो ऑल दोज ऑप्शंस यू आर गेटिंग एक्चुअली लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर दिस एम्बियंट लाइटिंग। बाकी ये एम्बियंट लाइटिंग के लिए दिस इज अ पेड एड ऑन, आपको पेड एड ऑन लेना पड़ेगा। अगर आप फ्री वाला एम्बियंट लाइटिंग लेते हो आपको ओनली 7 या 8 कलर मिलेंगे, इतने सारे कलर्स नहीं मिलेंगे। कमिंग टू द सीट कंफर्ट, फ्रंट वाला सीट इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है, वंस यू राइड ए जी वैगन यू कैन नॉट एक्चुअली गेट बैक टू एनी अदर कार। इसमें फ्रंट वाला सीट, इसमें अगर सीट मसाजिंग है, वेंटिलेशन, वेंटिलेटेड सीट्स आप ऑन कर दिए, यू कैन एक्चुअली कीप ऑन राइडिंग फॉर एनी अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स। मैं कभी पर्सनली इंडिया में 100 किलोमीटर के ऊपर ही मैं कभी कार नहीं चला था, इसको मैं लेके अभी मेरा मतलब होम टाउन को गया था, आई हैड ड्रिवन 450 किलोमीटर स्ट्रेट, वन लेग सीधा, एंड मैं घर पहुंच भी गया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कब रास्ता खत्म हो गया। सो बेसिकली द फ्रंट सीट इज जस्ट सो कंफर्टेबल, बट ऑफकोर्स यू नीड टू गो फॉर द वेंटिलेटेड ऑप्शन एंड द सीट मसाजिंग ऑप्शन। फ्रंट वाला सीट, ड्राइवर सीट हो गया, अपना पैसेंजर सीट हो गया, टू कंफर्टेबल, टू गुड, एब्सोल्युटली नो फ्लॉज। पीछे वाला सीट का भी देखते हैं कितना स्पेस एंड हाउ कंफर्टेबल इट इज। चलो अभी पीछे वाला सीट देखते हैं। Coming to the back, so this is how the back seat of the G-Wagon looks like. So, देख सकते हो my height is 5.8, so अभी भी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा space है. So, even if you are like 6.3, 6.4, still you are not going to hit the top of this car. It बहुत ही ऊपर है. So, गाड़ी का height तो of course बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये वाला देखने कोई ज़रूरत नहीं है. So, आप देख सकते हो मेरा leg space भी कितना है. मैं already मतलब बहुत दूर रखा हुआ हूँ, अभी मेरा leg space कितना है. So, 5.8. ऊपर में इतना स्पेस, आगे में इतना स्पेस, सो ए लॉट ऑफ स्पेस। एंड आपको एक एड ऑन जो मैं रेकमेंड करूंगा, इफ़ यू आर टेकिंग ए जी वैगन, गो फॉर द मर्सिडीज का जो अपना टीवी वाला जो एड ऑन आता है, वो मैंने नहीं लिया था, बट अगर आपके घर
घर में छोटे बच्चे हैं तो इट मेक्स मोर सेंस, यहाँ पे पूरा मर्सिडीज का मस्त वाला टीवी, जो दो टीवी वो देते हैं उसके बाद वहाँ से मैनेज कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड ऑल दो स्टफ। सो इतना लंबा ट्रिप के लिए अगर आप यूज़ करोगे, वन टीवी मेक्स सेंस फॉर द मर्सिडीज एड ऑन वाला। सो यहाँ पे आपको एसी वाला कंट्रोल्स आ गया, एंड फॉर द कमिंग टू द सेफ्टी पार्ट, हर जगह इसका एयरबैग्स पूरा लोडेड है, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट सेफ्टी। Everywhere you can see airbag, कहीं कहीं भी देखो आपको दिखेगा, यहाँ भी airbag, वहाँ भी airbag, वहाँ भी airbag, हर जगह airbags है। So seat का जो पीछे वाला seat के लिए बहुत लोग, काफ़ी लोग बोलते हैं videos में कि G-Wagon का पीछे वाला seat comfortable नहीं है, वो बहुत ज़्यादा straight, it's actually not straight। मैं आपको live दिखा सकता हूँ how far it is, like I'm sitting maybe somewhere around like 60-65 degrees and it's very comfortable। सो आप जितना भी लंबा इसमें बैठ के जाओ, यू आर नेवर गोइंग टू फील ए पिंच, क्योंकि ये सीधा नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है ये बहुत सीधा है क्योंकि स्पेस नहीं होगा, आप लाइव ही देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस है, यहाँ इतना स्पेस है, यहाँ इतना स्पेस है, एंड आई कैन एक्चुअली सिट फॉर लाइक एनी अमाउंट ऑफ किलोमीटर। अगर कोई चला रहा है इसमें आराम से आपको बैठ के बस खाली सोना ही है, डोंट हैव टू डू और डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनी, बस गाना बजेगा आराम से बैठ के लॉन्ग राइड में जाने का। चलो पीछे वाला सीट के बारे में हो गया, बूट स्पेस ऑल्सो वी हैव टॉक्ड, फ्रंट इट्स ऑल्सो वी हैव टॉक्ड, एडऑन्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कौन सा एडऑन्स लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, एंड इफ यू आर गेटिंग ए G63A तो इट्स वेरी गुड, इफ यू आर रेडी टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, इफ आर गेटिंग ए G350D अगर आपको 63 की तरह पूरा एग्जैक्टली करना है कौन सा चीज़ लेना है कितना पैसा लगे उसका ही मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आई डोंट थिंक सो हैव मिस्ड एनी पॉइंट, क्योंकि ये गाड़ी का प्रोस तो जितना प्रोस था मैंने कह दिया है, कॉन्स ओनली एक ही है, दैट इज इट्स लाइक वेरी हैवी, सो इसमें माइलेज बहुत ही कम आता है, दैट इज द ओनली नेगेटिव पार्ट, नहीं तो और कोई नेगेटिव पार्ट इसका है ही ना, आप सोच भी नहीं सकते इसका कोई नेगेटिव पार्ट होगा। एंड अबाउट द रोड प्रेजेंस, देर इज नथिंग लाइक ए G-Wagon, वंस ए G-Wagon गोज थ्रू ए रोड लाइक ऑल आइज आर गोइंग टू बी इन द G-Wagon, सो रोड प्रेजेंस का इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, इतना सारा कार्स मैंने देखा है नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ कार, बट वंस यू सी ए G-Wagon देर इज नो लुकिंग बैक, सो रोड प्रेजेंस इट्स द बेस्ट कार टू हैव इन द गैराज इफ यू आर लुकिंग टू हैव ए कार विच कैन हैव द बेस्ट रोड प्रेजेंस इन द वर्ल्ड। सो वही था, जितना सारा डिटेल्स मेरे को अभी याद आया मैंने डाल दिया है, अभी रात हो रहा है मेरे को जल्दी से भी घर भी निकलना है। सो कमिंग टू द प्राइसिंग, एंड अगर आपको ऑर्डर करना होगा आई हाईली रिकमेंड यू, अगर आप इंडिया में हो गो एंड ऑर्डर विद लैंडमार्क मोटर्स बॉम्बे, जहाँ से मैंने डिलीवरी लिया था एंड आई हैड ए ग्रेट एक्सपीरियंस, आई ऑलवेज मिस दैट, मतलब इवनिंग बहुत ही मस्त वाला डिलीवरी था। सो इन केस यू आर लुकिंग टू ऑर्डर एनी मर्सिडीज, ऑलवेज रिकमेंड टू गो एंड चेक विद लैंडमार्क मोटर्स, एंड वही है कि प्राइसिंग का एंड टाइम लाइन का जो वेटिंग पीरियड फॉर द G-Wagon इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक 6-8 months, G63 आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्लोज टू ए ईयर, G350D यू कैन गेट विद इन लाइक 6-7 months, बट मे बी आगे जाके ऑलरेडी US एंड यूरोप में दे हैव ऑलरेडी क्लोज द V8 का, V8 आप G63 और ले नहीं सकते, एशियन मार्केट्स में अभी भी खुला है बट मे बी कभी बंद हो सकता है क्योंकि दे आर लाइक जस्ट सो ओवरबुक्ड कि वो और नया कार्स डालेंगे भी नहीं। तो अगर आपको चाहिए रिकमेंडेड गो एंड ऑर्डर इज। Anyways, I hope you have already covered all the points. फिर भी अगर मैंने कुछ मिस किया है let me know in the comments. So that's all about today's video guys. I hope you have got some new knowledge, and अगर future में कोई G-Wagon खरीदता है ये वाला video देखते हैं आपको total knowledge आ गया होगा, and make sure to check out Policy Bazaar link in the description to check about that capital guarantee plan, and let me know if you have got any questions. अगर video अच्छा लगे तो like मार देना, subscribe कर देना, and I will see you guys in the new video. Bye bye.